सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के वकील भी शामिल हुए। वकीलों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहुंचकर छात्रों के साथ प्रदर्शन किया और छात्रों पर हुई कार्रवाई पर सरकार से सवाल किए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहुंचे दिल्ली की अलग अलग कोर्ट्स के वकीलों ने छात्रों का समर्थन किया और साथ ही जामिया के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। वकीलों ने यहां मार्च निकालकर सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही उन्होंने सीएए को देश के संविधान के खिलाफ बताया। बिल बहुत गलत आया है, ऑल कम्युनिटी के लिए गलत आया है। एनआरसी सीए एकदम गलत है और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे वकील ऑल कम्युनिटी के एडवोकेट्स हैं, सारे कोर्ट के वकील हैं यहाँ पर ऑल कोर्ट्स के। और हम लोग जो जामिया में जाती हुई है, जो हमारी बच्चियों के हॉस्टल में घुस गए हैं, जो लाइब्रेरी में इनोसेंट एलएलएम के स्टूडेंट थे उनको मारा, उसके लिए हम डिमांड करने आए कि जहाँ जुडिशियल इंक्वायरी हो। काफी संख्या में वकील जामिया पहुंचे। देश बचाओ, संविधान बचाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जैसे नारे लिखे हुए पोस्टर्स लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया और साथ ही वकीलों ने यहां संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए शपथ भी ली। वकीलों ने सरकार को संविधान के खिलाफ काम करने वाला बताया। देश भर की कई यूनिवर्सिटियां और संगठन सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुआ तो कई जगहों पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। तो वही सीएए और एनआरसी के समर्थन में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर से समर्थन और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसी भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा ना हो ये बहुत जरूरी है और सबकी जिम्मेदारी। तो वहीं दिल्ली में जामिया के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन में वकीलों के साथ का धन्यवाद किया। खबर अभी तक के लिए नासिर कुरैशी की रिपोर्ट।